अस्सलाम वालेकुम जनाब। आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है ऑनलाइन? आज पढ़ना नहीं है। ओए ओए ओए, नहीं, जनरल डिस्कशन कितनी की लंबी होती है। तो फिर कल बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें सुनने को मिली। अगला एग्जाम हो गया, ये कब हुआ? जी, अब पहली चीज ये कि नई स्कीम अचानक से अनाउंस कर दी। तो फेसबुक पे तो लोगों ने शोर शराबे मचाया है, आईकैप ने तो ईमेल पे बताया है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके बताया है। तो फेसबुक हमेशा सोर्स नहीं होता, मुझे भी आईकैप की वेबसाइट से पता लगा है। हुआ क्या है? उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्प्रिंग 2022 में ही ले आए नई स्कीम। अगली अटेम्प्ट, इससे वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। और ये कहा है कि जी गवर्नमेंट बताएगी कि करें या ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट से उन्हें अप्रूवल करवाना है, बायलॉज में चेंज करनी पड़ती है इनको नई स्कीम वगैरह के हवाले से। तो इसलिए चीज अभी कंफर्म भी नहीं है। इससे पहले जब हमने इन्होंने न्यू स्कीम की अनाउंसमेंट की थी कोई 1.5-2 साल पहले, तो उस वक्त सब्जेक्ट्स और उनके वो सिलेबसेस नहीं बताए थे डिटेल से। इस दफा सिलेबसेस भी बता दिए, थोड़ा सा और पक्की बात आ गई। लास्ट टाइम ये नहीं बताया था कि ट्रांजिशन कैसे होगी, एग्जिस्टिंग लोग कैसे शिफ्ट होंगे, एग्जिस्टिंग को नई अटेम्प्ट कितनी मिलेंगी, इस दफा वो सारी बातें भी बता दी। तो कल का दिन जो है वो बड़ा सनसनीखेज रहा। बच्चे तो घर में बैठे हुए सो रहे होंगे या अब फेसबुक पे शुगल मुगल कर रहे होंगे। कॉलेजेस के लोग जो है वो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस में थे, ये क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। 2-3 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, उनके साथ डिस्कशन हुई, आईकैप के कुछ लोगों से बातचीत हुई, फिर कुछ इस तरह से। अभी भी मुझे एक कॉल आ रही थी एक कॉलेज के उससे, लेकिन मैंने कहा कि अभी क्योंकि सेशन शुरू हो गया तो मुनासिब नहीं है कॉल लेना। तो मजेदार खबरें काफी, लेकिन कंफर्म खबरें भी नहीं है। आप लोग अगर तो पहले 3 पेपरों वाले हैं तो आप तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। अनाउंसमेंट नंबर वन, जिसने एएफसी पास कर लिया उसका पीआरसी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नए एएफसी का नाम है पीआरसी। खूबसूरत बात यह है कि जो इंट्रो और इको का पेपर है ना, ये पीआरसी में जा रहा है। क्या हुआ? और खबर ये है कि एएफसी अगर आपका पास है तो पीआरसी एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ यहाँ पे कंफ्यूजन उठ गई है कि इको और इंट्रो का क्या होगा। और नई स्कीम में जो उन्होंने मैपिंग दी है ना कि क्या पास करने से आपको नई स्कीम के कौन से पेपर नहीं देने पड़ेंगे, इंट्रो के आगे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पीछे उन्होंने लिख दिया कि एफसी पास तो पीआरसी पास, और पीआरसी में इंट्रो है और पीआरसी में इको है, जिसकी वजह से कल से आवाम अजीबोगरीब किस्म की लुडियां डाल रही है इंटरनेट के ऊपर, शुगल मेला लगा रहे हैं। टीचर जब बेचारे पढ़ाने आ रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं सर आए मिलके घूमने चलते हैं कहीं, पहाड़ों का ट्रिप लगा के आते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं है अभी, ना नई स्कीम आई है ना नई स्कीम इंप्लीमेंट हुई है। उन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके पीछे थोड़ी सी सियासी एक्टिविटी भी है। आईकेप के इलेक्शन बिल्कुल सर पे, वो नहीं होता जाने से पहले सड़कें बनवाना शुरू कर देते हैं, ब्रिज बनवाना शुरू कर देते हैं, तो वो उस तरह का वो करके बता दिया कि हाँ नई स्कीम हमारा तो इरादा है, लेकिन अभी हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। मतलब सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, इतना खूबसूरत सेंटेंस है कि इसमें एक सेशन पूरा भी गुजर सकता है और 2 सेशन भी गुजर सकते हैं, और अगर मिल जाए तो हो सकता है 5 दिन में भी अप्रूवल मिल जाए। तो एक कंटिंजेंसी आ गई, एक कंफ्यूजन आ गई कि क्या इन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। अब ऐसे में एक स्टूडेंट क्या करे, वो स्टूडेंट जो इंट्रो दे रहा है, वो स्टूडेंट जो इको दे रहा है, वो स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रादर देन कि वो सोचे कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसने तो एग्जाम हो ही जाना है खुद ब खुद। अगर आईकैप जब उसको क्लियर करे तो कहे कि नहीं हमारा कहने का ये मतलब नहीं था, हमारा मतलब था जो नए वाला एएफसी पास करेंगे उनका नया वाला पीआरसी एग्जाम होगा। अब नया तो एएफसी है ही नहीं, नया तो पीआरसी है, एएफसी तो वही है जो आप पास कर चुके हुए। अब यहां पे खिचड़ी है, दिसंबर में अगर बच्चे पेपर दें एएफसी का, वो तो इंटरव्यू को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दिसंबर में वो एएफसी होगा और मार्च में बन जाएगा पीआरसी। तो दिसंबर में उन्होंने जो 4 पेपर दिए उसमें इंटरव्यू को नहीं, और मार्च में जब वो अगले पेपर देने जाएंगे तो इंटरव्यू को एग्जाम हो जाएगा।
तो बगैर इंट्रो पढ़े वो एफ आर वन कैसे पढ़ेंगे? फिर सिलेबस को गौर से देखा कि शायद एफ आर वन के सिलेबस में बेसिक्स डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं खड़ा हुआ है सिलेबस। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच आया डॉक्यूमेंट के अंदर, एक ऐसी चीज है जो लिख के उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। कल एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ, उसने कहा मेरे 4 बैचेस हैं इंट्रो के, इतने बच्चे हैं, और वो बच्चे मुसलसल पूछ रहे हैं सर मतलब फिर ये फीस ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे सब्जेक्ट्स में या कुछ और। तो पहली बात ये कि क्या इंट्रो और इको एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, ये अभी हवा में है। अगेन आई कैप इतना बड़ा मतलब वो मजा नहीं करवा सकता, और अनाउंस भी तब किया है जब एग्जाम दाखला भेजने की तारीख गुजर गई। अच्छा, इसमें और मजे की बात क्या है? मजे की बात है लॉ, आज के बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा कि लॉ पढ़े, मैं कहूंगा ही नहीं, अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ना पढ़े दो पेपर देने पड़ेंगे। कर दिया उन्होंने अनाउंस, उन्होंने कहा ठीक है जी सितंबर, ये मार्च से दो पेपर आ रहे हैं, एमलॉ अलग किया, सीलॉ अलग किया, सीलॉ में सीए फाइनल से थोड़ी सी चीजें डाली, एमलॉ में कुछ और लॉस डाल दिया अदर लॉस करके 25 नंबर के। मत पढ़े लो, मत, पेपर गंदा देना है, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं है। सर तो पहली पहली बात ही, अगेन वही बात है कि अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लॉ सही से पढ़े, अब जो नहीं सही से पढ़ेगा, अब आईके अपने कम से कम अनाउंस तो कर दिया ना, और अगर वाकई ही ये इंप्लीमेंट हो गई जैसे वो कह रहे हैं, तो अगली दफा बिजनेस लॉ खत्म हुआ हुआ होगा, दो पेपर बने होंगे, एक छोटा बिजनेस लॉ और एक आगे जाके कंपनी लॉ, तो दो पेपर देने के लिए आप तैयार है ना? तो फिर अब मैं तो ना कहूं कि आप लोग पढ़ाई पढ़ा करें, मैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छी तरह से करें, क्योंकि इस एक पेपर से दो पेपर पास हो जाने आपके, क्योंकि नई स्कीम जब भी अप्लाई करे जैसे भी अप्लाई करे ऑटोमेटिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बिजनेस लॉ, क्योंकि डाउट था कि थोड़ा सी चीजें प्लस माइनस कर रहे हैं, पता नहीं एग्जेम्पशन देते नहीं देते, उन्होंने कहा बिजनेस लॉ जिसका पास है उसको वो दोनों पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा रोमांचक जो अनाउंसमेंट की है ना उन्होंने, जो जिसपे मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ हूँ, वो बीएमबीएस। लोग कह रहे थे बीएम खत्म हो रहा है, बीएम असल में मैं सबको बताया था कि बीएम खत्म नहीं हो रहा है, इसका कुछ बेसिक पोर्शन चला जाएगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो कि पीआरसी में है, और फिर कुछ बीएम ऐड करेंगे थोड़ा सा फाइनल लेवल की, थोड़ा सा इस लेवल की, जो कि एक एडवांस पेपर उन्होंने बनाना था, कॉस्ट के दो पेपर बना रहे हैं, एक सादा कॉस्ट, एक मैनेजेरियल एंड फलाना फलाना एनालिसिस, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी, थोड़ा सा फाइनेंस का पोर्शन भी, और काफी सारी बीएम भी, वो एक मिक्स पेपर है। और आई बिलीव के कैफ का वो सबसे डिफिकल्ट पेपर बन जाएगा, जितनी उसके साथ, वो MSA 2 का शॉर्ट वर्जन है, MSA 2 के सिलेबस टाइप की चीजें छोटे लेवल पे है। मेरा ख्याल ये था कि आईकेप जब नई स्कीम देगा, वो पेपर तो पहले था ही नहीं, अब एक बच्चे ने कैफ के सारे पेपर पास किए हुए हैं तो वो पेपर उसे क्यों देना पड़े, तो मेरा ये ख्याल था कि आईकेप कह देगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर और बीएम दोनों जिसके पास होंगे उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी उस नए पेपर की, बट आईकेप ने जो अनाउंस किया है वो बहुत खूबसूरत है, वो कहते हैं बीएम पास कर लो और वो बड़ा वाला पेपर ले जाओ, डील जी। दिसंबर तो बहुत पीछे है, मतलब जिस वक्त भी नई स्कीम आएगी जिसका AFC पास हुआ होगा उसका पीआरसी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इंट्रो और इको का क्या होगा, यही तो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंट्रो और इको के ऊपर भी कंफ्यूजन है। जो स्कीम है अब, स्कीम अनाउंस हो गई है नहीं, उन्होंने कहा है दो चीजें, उन्होंने कहा एक तो गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे तब, दूसरा उन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पे रखा है फॉर मेंबर्स कमेंट। अब हुआ ये कि बच्चों ने वेबसाइट से उठा के जो मेंबर्स के तबसरे के लिए उन्होंने रखा हुआ था शेयर करना शुरू कर दिया, नई स्कीम आ गई, नई स्कीम आ गई, फलाना फलाना, वो नहीं होता वो यूट्यूब की वीडियो चलना शुरू हो जाती है, आई के अपने किया बड़ा ऐलान और वो इस तरह से करके। अब सोशल मीडिया पे इतना शोर मचना शुरू हो गया, तो फिर मुझे ऑफिशियली आईकैप की पोस्ट शेयर करनी पड़ी कि ये ओरिजिनल पोस्ट है, नकालों से होशियार रहे। उसमें उन्होंने पीआरसी वगैरह का भी वो किया और ओरिजिनल चीजें बताई, उसमें मतलब जो एक चीज थी उन्होंने कहा था कि हम स्प्रिंग से प्लान कर रहे हैं, लेकिन दो बातें, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी हम ये वेबसाइट पे रख रहे हैं, मेंबर्स हमें 28 जुलाई तक इसमें कमेंट्स दें, इसमें क्या क्या प्लस माइनस होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें नजर आ रही है, उसके बाद हम इसका एक फाइनल वर्जन बनाएंगे, और अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया तो स्प्रिंग में नई अटेम्प्ट होगी नई नई स्कीम पे।
अब इसमें इफ्स एंड बट काफी हैं, मेंबर्स इस वक्त धड़ाधड़ कमेंट दे रहे हैं आईकैप को, तो जो इस वक्त सामने नजर आ रहा है जरूरी नहीं कि वो आगे एग्जीक्यूट भी हो। तो ऐसे में मतलब दुआ मेरी ये है कि इस तरफ उनका ध्यान ना जाए कि जो बीएम की बेस पे बड़ा पेपर एग्जाम करते हैं। अब वो जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं, एएफसी पास किया, फास्ट ट्रैक में क्या उठाएं, अक्सर ईगो उठाते हैं, कुछ बीएम भी उठाते हैं, कुछ इंट्रो उठाते हैं। इंट्रो और ईगो उठाने वाले इस वक्त अब परेशान है, क्योंकि इंट्रो ईगो अगर बगैर पढ़े वो आगे जाते रहे जाते रहे जाते रहे और अचानक से नई स्कीम आ जाए, तो एएफसी की बेस पे उनका इंट्रो ईगो एग्जम्प्ट हो जाना है। अब ये एक ऐसा ग्लिच है जिसपे आईकैप भी परेशान है कि आईकैप लाहौर वाले कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लग रहा कि ये कुछ सही बात है, इसमें कुछ एरर है। तो अगेन ये इंट्रो इको वाली चीज रिवर्स हो सकती है। ऐसे में बीएम की तरफ ध्यान जाए या ना जाए, ना जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बोनस है। बीएम इन 9 पेपरों में सबसे मजे का है इस वक्त, और वो उन 8 पेपरों में सबसे तकलीफ दे जिसकी एग्जम्पशन मिल रही है। तो ऐसे में आप में से जिसने बीएम रखा हुआ था वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से बीएम को तो इस वक्त पूजना शुरू कर दे, क्योंकि बीएम ने पास होके कम से कम मतलब इस वक्त जो स्कीम बता रही है वो बड़ा वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर कल को आईकैप को याद आ गया कि उसको हटा दें तो फिर पीआरसी में भी एक बीएम का पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जो अभी उन्होंने आईटी से एग्जाम्प्ट करा दिया है। तो बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, कल से अच्छे खासे मसलों मसाइल चल रहे हैं। पुराने बच्चे नई स्कीम में कैलकुलेशन किस तरह से होगी, अटेम्प्ट्स की ये किस तरह से होगा, वो किस तरह से होगा, तो ऐसे में उस सारे शोरेश और उस सारे उसमें जो है देयर वॉज अ नीड ऑफ समवन जो कि ओपन तरीके से बगैर मसाला लगाए बगैर फेसबुक वाली मार्केटिंग। अब आपको था फेसबुक के ग्रुप तो अपने पर वीडियो शेयर करना शुरू कर दी, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं जी ये कौन है जी, हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था तो वो तो इतनी मेहनत की वो तो पेपर ही खत्म हो गया। अब ऐसी वीडियोस देख के बच्चे इकोनॉमिक्स छोड़ना शुरू कर देंगे, इंट्रो छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा आज के दिन में इंट्रो में बच्चों ने जिस जिस इंट्रो की टीचर से पढ़ते थे जब जब उससे पूछा तो आगे से अजीबोगरीब से जवाब सुनने को मिला। यहाँ मुझे नहीं पता आपको क्या जवाब मिला, क्योंकि दो तीन जगह पे कॉलेजेस में बच्चे बता रहे हैं कि जी टीचर तो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये काफिराना निजाम है, ये पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हो गया, ऐसा नहीं। कोई कह रहा है जी आईकैप से एरर हो गया, आईकैप शर्मिंदा है और माफी मांग रहा है और अपने एरर को ठीक कर रहा है। बहरहाल इस वक्त जो अनाउंसमेंट है वो अजीबो गरीब हो गई है। बींग स्टूडेंट हमें एहतियात करनी है, अगर ये अनाउंसमेंट हो गई और हम लुडियां डालते हुए इंट्रो और ईको छोड़ दें और अचानक इंट्रो ईको आ जाए तो फिर वो दोबारा तैयार भी नहीं होनी। और अगेन इंट्रो की तैयारी से FR1 वैसे भी आपका थोड़ा कंफर्ट जोन में जाता है, क्योंकि FR1 के सिलेबस की अजम्पशन ये है कि आपने इंट्रो पढ़ा है। अब मामला आता है ईको का। अब इस वक्त ईको पे चांस है कि पता नहीं वो रहता है या नहीं रहता, और दूसरी तरफ बीएमबीएस है जिसकी वजह से एक अच्छा पेपर एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने फास्ट ट्रैक में इको उठाई हुई थी या कुछ और अभी उसने ज्यादा नहीं पढ़ा था तो शायद वो बच्चा थोड़ी सी इजाफी फीस दे के बीएम में एनरोल करवा ले तो उसे फायदा हो सकता है। अगर आईकैप वाकई ही 6 महीने बाद नई स्कीम ले आया तो बीएमबीएस इस दफा जिसने पास किया होगा उतना गोल्डन फायदा किसी को नहीं होगा। लॉ वाले को तो है ही है ना फायदा, लेकिन लॉ वाले का तो एंटिसिपेटेड था कि जो लॉ का पेपर पास कर लेगा उसके 2 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो इस वक्त इस अटेम्प्ट में जो सबसे ज्यादा प्रीमियम पेपर पास करने वाले हैं वो लॉ और बीएम है जी। अब स्प्रिंग 22 का मतलब है स्प्रिंग 22 की अटेम्प्ट जिसकी कहानी शुरू हो जाती है सितंबर से, सितंबर 2021। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली अटेम्प्ट देते ही नई पॉलिसी की कहानी हम पे अप्लाई हो सकती है, ये अटेम्प्ट देते साथ ही हो सकती है, इसमें डाउट है। ऐसे में फिर आप लोगों ने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में एक अनाउंसमेंट देखी हो, पता नहीं ग्रुप तक पहुंची या नहीं पहुंची, ठीक है जी। हम इसके ऊपर एक पब्लिक वेबिनार कर रहे हैं, सिर्फ स्कैंस का ही नहीं बाहर के बच्चों का, क्योंकि इस टाइप मतलब अभी मैंने देखा था 1-2 घंटे पहले हमने उसका वेबिनार क्रिएट किया है, 450 बच्चे रजिस्टर करा चुके हैं। ठीक जी। अब अगेन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त फास्ट ट्रैक में बीएमबीएस दे रहे हैं सितंबर में देंगे ना, सितंबर में, दिसंबर में तो दे नहीं सकते। कैफ की अटेम्प्ट सितंबर और मार्च में होती है, नहीं अगर नई स्कीम आ गई तो गए।
जी। अब अगला सवाल, अगला सवाल, नई स्कीम में पेपर इतने ही रहेंगे या चेंज होंगे? पुरानी स्कीम वाले नई स्कीम में कैसे शिफ्ट होंगे? आईकैप ने जो अनाउंस किया उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं? कौन सी चीज ऐसी है जो कंफर्म खबर है और कौन सी ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट टू चेंज है? एक स्टूडेंट जिसके कौन कौन से पेपर पास हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट जो इस दफा कौन से पेपर दे रहा था उसको क्या सोचना चाहिए? और एक स्टूडेंट जो सिरे से पेपर नहीं दे रहा था उसको क्या करना चाहिए? और मिसक्लेनियस मसलों मसाइल के लिए ही वो वेबिनार रखा गया। इस वक्त तो मैं बहसियत लॉ की टीचर आपको बता रहा हूँ कि लॉ की इंपॉर्टेंस है, और अगर आपका कोई बीएम से भी कोई ताल्लुक बनता है तो उसे भी फौरन से गले लगा लें, क्योंकि इस वक्त बीएम देना सबसे प्रीमियम है। स्कीम 6 महीने बाद आती है, साल बाद आती है, 1.5 साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है, कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनका इरादा नजर आना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक दफा ये अल्फाज बोल दिए कि इट इज प्लान टू इम्प्लीमेंट द न्यू स्कीम फ्रॉम स्प्रिंग 2022, जो कि अभी तक लग रहा था कि ऑटम 2022 की तरफ जा रही है, और अगर उन्हें अप्रूवल ना मिली तो बाकी आगे चले जाएंगे। तो एक रिस्क है, या तो अगले सेशन में आ जाएगी स्कीम या नहीं आएगी। तो हमने ऐसे खेलना है कि अगर नई स्कीम हो या ना हो हम सेफ रहे। तो ऐसे में पहली प्रेफरेंस है हमारा लॉ और बीए। देन इंट्रो और इको में, इको उतनी प्रेफरेंस नहीं है लेकिन इंट्रो बहुत प्रेफरेंस है, क्योंकि इंट्रो चाहे खत्म हो जाए, इंट्रो हमें इसलिए चाहिए कि हमारा FR1 की बेस बन जाए। और अगर ये नई स्कीम अप्लाई होते होते 1-1.5 साल आगे चली गई और आप इंट्रो छोड़ के आगे भाग गए, तो एंड पे आप सोच रहे होंगे कि यार दे ही देता, पेपर क्लियर कर लेता, उस वक्त इंट्रो भी नहीं होगी आपसे। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट इस वक्त बीएमबीएस कैसे उठा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा बीएमबीएस उठा ले जिसने सिरे से पढ़ा भी नहीं है। अगर किसी ने बीएमबीएस कभी पहले पढ़ा हुआ हो और इस दफा छोड़ के बैठा था कि अच्छा रहने देते हैं कुछ और करते हैं, या सेशन के स्टार्ट में एक गुमराह करने वाला वॉइस नोट चला था कि जी एक टीचर से किसी ने पूछा जी बीएमबीएस, उसने कहा बीएमबीएस तो वैसे ही खत्म हो जाना है, ये उठा के तो नुकसान ही नुकसान है। उस टाइम पे मैं बच्चों को बहुत कहता था भाई बीएमबीएस का कोई नुकसान नहीं होना, ये पेपर आगे 2 शिफ्टों में डिवाइड हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ फायदा हो जाना है नई स्कीम में। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने इस दफा बीएम उठाया ही नहीं, पढ़ा हुआ था उन्होंने, रहता भी है उनका, तो जिसने पढ़ा हुआ है वो तो अभी उठा सकता है। अब आपको पता है थोड़ी सी सब्जेक्ट चेंज करने की ऑप्शन भी होती है, थोड़ी सी रिवाइज फीस के साथ पेपर अटेम्प्ट करने की भी ऑप्शन होती है। 25% इजाफी पड़ता है आपको ड्यू डेट के बाद अगले कुछ दिन तक, मेरे ख्याल में 7 दिन तक। तो चूंकि 2 दिन पहले गुजरी है वो ड्यू डेट, तो अभी भी अगर किसी का बीएम थोड़ा सा पड़ा हुआ है और उसे लगता है कि वो उसको तेजी से रिवाइज कर सकता है, तो ऐसे बच्चे को बीएम उठा लेने में ज्यादा हर्ज नहीं है। अगर वो कंफ्यूज है अभी भी कि क्या करना है और किस तरह से, इंट्रो का प्रेफरेंस बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इको के ऊपर अभी थोड़े से डाउट हैं, क्योंकि इको के पढ़ने या ना पढ़ने से आगे किसी पेपर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इंट्रो के पढ़ने ना पढ़ने से FR1 जरूर अफेक्ट है। अब अगेन अगर नई स्कीम 1.5 साल बाद आती है और आप खामखा छोड़ दें पेपर तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जो इस वक्त फास्ट ट्रैक वाले AFC के स्टूडेंट हो उनको अगर मशवरा देना है तो उनसे कहें यार फिर इको के बजाय अगर तुम फास्ट ट्रैक में उठा रहे हो बीएम उठा लो, तकरीबन इको जितने ही साइज का पेपर है और ये भी उतना ही अचीवेबल पेपर है। तो ये एक छोटी सी बात है, बाकी इसकी बहुत ही गहराई में डिस्कशन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसमें मोटी मोटी डिस्कशन मैं जो है वो कल रात इंशाल्लाह ताला 7:30 बजे वाले वेबिनार में कर रहूंगा, और उसके अलावा आईकेप की तरफ से भी हल्की फुल्की क्लैरिफिकेशंस आती रहेंगी। हो सकता है वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बना के दे दें जो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस तरह से करें। इस वक्त भी मैंने दोपहर में भी बात हुई है तो आईकेप में एक मीटिंग हो रही थी इसी चीज को लेकर, और वो कहते हैं कि हम शाम रात तक कुछ ना कुछ सिचुएशन बताएंगे। फिर कुछ लोग काउंसिल मेंबर्स से भी रबते में है कि अच्छा आप बताएं जी अब इसका क्या होगा, किस तरह से होगा। तो अगेन अभी चीजें थोड़ा सा डाउट में है, बट मकसद ये है, उस वेबिनार का मकसद ये है कि एक तो पहले पैनिक खत्म करना है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे पेपर छोड़ के इस पैनिक में लग गए हैं, अच्छा नई स्कीम पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। तो कम से कम उनको मैं समझा दूंगा कि नई स्कीम में पेपर्स क्या है, पुराने बच्चे नई स्कीम में शिफ्ट कैसे होंगे, और इस वक्त क्या करना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, उसमें एक जनरल ओपिनियन मैं देने की कोशिश करूंगा उस वेबिनार में।
इकोनॉमिक्स के दो टीचर्स की कॉल आई है जी, क्या अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन में? ऑनलाइन के लोगों का बात क्लियर है? क्लियर है जी, थोड़ा सा जरा खामोशी। ऑनलाइन वाले हजरात आपके साथ जो है ना वो सर जी मजाक हो गया हमारे साथ, अच्छा कह रहे हैं। असल में मैं बड़ी देर से जो तकरीर कर रहा था उसका लबे लबा पता क्या था, कल शाम 7:30 बजे मैंने बड़ी डिटेल से बताना है कि क्या क्या मसलों मसाइल हैं, नई स्कीम में हुआ क्या है और पिछले 1-2 दिन में आई कैप ने इसके ऊपर क्या नजर सानी की है और अब चीजें किस तरह से चलेंगी। सर जिनका BMBS पास हो चुका है क्रैश बैच में, अय्याशी में बैठे हैं, जब भी नई स्कीम आएगी उस बीएम की वजह से उनको वो नया पेपर एग्जाम कर जाएगा, जब भी नई स्कीम आएगी। अब अगेन नई स्कीम कब आएगी, आईकैप ने अभी अपना इरादा शो किया है लेकिन वादा नहीं किया, ज्यादा इरादे और वादे में फर्क है। अभी इनविटेशन टू ऑफर है, अभी मेंबर्स बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, फिर गवर्नमेंट बताएगी कि हम इसे अप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हो सकता है स्प्रिंग में आ जाए, हो सकता है अगले ऑटम में आ जाए, हो सकता है अगले उससे अगले स्प्रिंग में आ जाए, हो सकता है उससे अगले ऑटम में आ जाए, हो सकता है 4 साल बाद आए, हो सकता है 1.5 महीने बाद आ जाए। तो इस वक्त कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ऑनलाइन वाले हजरात अगर इंट्रो पढ़ रहे हैं तो इंट्रो को पढ़ते रहें, क्योंकि या तो वो अपने ग्लिच को रिमूव करके दोबारा से इंट्रो को उस लिस्ट में ऐड कर देंगे या इस इंट्रो की वजह से आपको FR1 में फायदा हो जाएगा। इको और बीएम में अगर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आई वुड वोट फॉर बीएम, कि इको की जगह अगर बीएम को रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बीएम ने अय्याशी लगवा दी है, बीएम की बेस पे सबसे बड़ा वाला पेपर जो है वो एग्जम्प्ट होने जा रहा है। लेकिन ये अभी गैर हतमी गैर सरकारी बात है जो अभी आई है, तो ऐसे में मैं भी कोशिश करूं कि 1-2 दिन तक कुछ और इनसाइट भी लूं और उसके बाद फिर आप लोगों को जरा बेहतर बताया जाए। तो कल शाम तक मैं थोड़ा सा और ज्यादा इस पे वर्किंग करके एक बेहतर सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। एक नया बच्चा आएगा तो उसके कौन कौन से पेपर होंगे, पुराना बच्चा कौन कौन से पेपर पास कर चुका है और कौन कौन से रह गए हैं, तो उसको अटेम्प्ट्स नई कितनी मिलेंगी, उसके कौन से पेपर खत्म हो जाएंगे, कौन से उसे देने पड़ेंगे, कितने अरसे में देने पड़ेंगे, तो ये सारी बातें होनी है। और अभी इसमें वो चीज अभी कंफ्यूजन में है कि F12 के साथ क्या होता है, स्कीम में अभी जो लिखा हुआ है ना कि F12 वो ये लिखा हुआ है कि AFC पास होने पे वो पास हो जाएंगे, जिसके ऊपर एतराज इस टाइम पे तकरीबन सारे कॉलेजेस को है कि अब एक बच्चा जो दिसंबर की अटेम्प्ट में, इस दफा दिसंबर में AFC पास करता है, उसने तो कभी पढ़ी नहीं इंट्रो और इको, और जब वो मार्च में नई स्कीम में शिफ्ट होता है तो उसे कह देंगे तुम्हारा इंट्रो और इको इसलिए एग्जेम्प्ट हो गया कि वो तो नई स्कीम के मुताबिक PRC है। तो सबसे बड़ा ग्लिच इस वक्त ये है और ये अभी डाउट है, इस डाउट की बेस पे कोई फाइनल फैसला नहीं करना। हाँ बीएम वाला जरा ज्यादा क्लियर लग रहा है, क्यों, जो उन्होंने अनाउंस कर दिया उसमें रिवर्स होने के चांस होगा 10% और जो अनाउंस कर दिया उसका वैलिड रहने का चांस होगा 90%। बीएम की बेस पे वो पेपर एग्जेम्प्ट होगा ये लिख दिया उन्होंने, अनाउंस कर दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इंट्रो और इको खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ये लिख दिया है, लेकिन उसका पेपर देना पड़ सकता है रिवर्सल हो जाए अगर, और रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी कम और जो लिखा है उसका, तो इसका मतलब है कि इंट्रो और इको का पेपर होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे काफी डाउट है, बट बीएम की बेस पे पेपर एग्जेम्प्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है जी। अब अगेन अगर मैं इस वक्त ये सारी बात करने के बाद कहूं कि मैं एक क्रैश का बैच करवा रहा हूं तो सारे समझेंगे कि ये सारे का मतलब ये था कि बच्चों को अपने कोर्स में एडमिशन कराया जाए। अब ऐसे में BMBS की रिवीजन क्लासेस यहां चल रही होंगी,
अभी तकरीबन BMBS ना हमारा ईद के बाद 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और BMBS की फिर उसके बाद 10 दिन की रिवीजन क्लासेस हमने प्लान की हुई हैं, जिसमें मैं मुख्तलिफ अपने पिछले दफा के रिवीजन क्लास, आईकेप की रिवीजन क्लास, पिछली दफा का सेशन, इस दफा का सेशन, सब में से क्लिप निकाल निकाल के उसको जोड़ के 1.5 से 2 घंटे की ऑन एवरेज 1 दिन की वीडियो बनानी है। यानी कि उस 10 वीडियोस में पूरा BMBS का सिलेबस थोड़ा सा तेज पैटर्न पे, ज्यादा नहीं, थोड़े से तेज पैटर्न पे खत्म होगा, और उसके साथ हम 10 टेस्ट प्लान कर रहे होंगे। अब ऐसे में मैं ये करूंगा कि मैं कॉलेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस कमरे में ये वीडियोस चल रही हैं, देखिए जो बच्चे बीएम में एनरोल्ड है उनको तो कैंपस इनसाइट पे भी मिल जाएंगी वो वीडियोस, जो एनरोल नहीं है मैं कॉलेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उस कमरे के दरवाजे सबके लिए ओपन कर देने जहां पे आप प्रोजेक्टर पे वीडियो चला रहे हो। उसके अलावा जिसको कुछ ना समझ आए, मैंने आईकैप में पिछले सेशन में रिवीजन क्लासेस कराई थी, सारा का सारा बीएम का सिलेबस, एक चैप्टर छोड़ा था उसकी भी मैंने वीडियोस बाद में अपनी एक और जगह से उठा के वहां पे डाल दी थी। तो आईकैप के यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वो मेरी पिछली दफा की बीएम की रिवीजन क्लासेस 100% कोर्स कवरेज की मौजूद है। कॉलेज में साथ साथ टेस्ट हो रहा होगा, आप कॉलेज की तरतीब के हिसाब से वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, या कॉलेज में आके उस कमरे में बैठ के जहां वो वीडियो प्ले हो रही होगी आप बैठ के आप भी वो लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा और कॉलेज से टेस्ट उठा लीजिएगा। जाहिर है जो अनएनरोल्ड बच्चा उसको ये चेक करके तो नहीं देंगे, लेकिन टेस्ट और सोल्यूशन आप पकड़ लें ताकि आप 10 दिनों का प्लान बना सकें बीएम की क्विक रिविजन। मैं अगेन वही कह रहा हूं कि टेस्ट, आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मैं इनसे कहूंगा जी आपने टेस्ट और सोल्यूशन फोटोकॉपी पर रखवा देना, उससे होगा ये कि इनके साथ भी जुल्म नहीं होगा कि ये, मतलब ये मुझे नहीं कहेंगे अभी साहब आपने क्या किया, बच्चे ने पैसे नहीं दिए थे उसने क्यों टेस्ट दे दिया। क्योंकि जाहिर है जो चेकर्स हैं उनके साथ भी जुल्म है कि उनको मैं कह दूं जी बाहर से भी बच्चे आएंगे और आपके पास टेस्ट देंगे, तो ये फिर स्कैन से पूछना पड़ेगा ना। असल में मैं इसमें इन मामलों को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। मैं खुद अपने तौर पे क्या कर सकता हूँ, मैं जिस जगह पे ऑनलाइन टेस्टिंग कराता हूँ उनको मैंने कहा है कि आप एक सुपर फास्ट टेस्ट सेशन बनाएं जिसमें 4 टेस्ट हो, कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करके, तो वो उन्हें मैंने प्लान का कह दिया। लेकिन स्कैन से आपने पूछना है कि स्कैन का क्या इरादा है। मैंने आपको स्कैन की कैपेसिटी में रहते हुए बताया कि वो टेस्ट जो मैं अपनी क्लास वालों के लिए प्लान कर रहा था, रिवीजन टेस्ट, वो मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा। चेकिंग में वादा नहीं कर सकता कि हमारे लोग करेंगे, लेकिन आपके पास टेस्ट सोल्यूशन और जिस कमरे में वीडियो प्ले हो रही होगी उस कमरे का मैं उनसे कहूंगा जी दरवाजा इसका आम जनता के लिए खोल दें, जो आके उस वक्त वीडियो देखना चाहे तो देख ले। मोस्ट प्रोबली ईद के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें शायद थर्सडे के आसपास से वो लेक्चर शुरू हो जाए। अभी वो अनाउंसमेंट होगी, आप मुझे याद कराइएगा, मैं लॉ के ग्रुप में भी उसका शेयर करवा दूंगा। जिसने कैफ 1, 2, 3 लिए हुए हैं वो अब क्या करें, उसका प्राइम फोकस 1 और 3 होना चाहिए। 1 इसलिए कि 1 ने काम आ जाना है और इसलिए भी कि चांसेस हैं कि आईकैप इस चीज को रिवर्स कर ले। 2 वर्सेस 4 में मैं कहूंगा कि वो 4 को प्रेफर कर सकते हैं अब। लेकिन अगर उसने सिरे से नहीं पढ़ा और वो नहीं समझता अपने आप को इस काबिल के कम टाइम में तेजी करे, तो जो 2 हाथ में तैयार पड़ा हुआ उसको खराब मत करें। तो इसलिए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा पेपर उठाने उठा लें, लेकिन कोई पेपर ड्रॉप किया तो अल्टीमेटली कल को रिवर्स हो गया तो आप ये ना कहें कि सर ने हमें कह दिया था यार इंट्रो रीको तो जा रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो सेफ रह के खेलना है और उस सेफ खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर बन गए हैं कैफ 3 और कैफ 4, इत्तफाकन मेरे पेपर। अब मैं अगर कहूंगी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, मैं इंटरनेट पे आके ऐसी बात करूंगा लोग कहेंगे लो जी अब अपने पेपर बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा कि मैं एक अलग से जनाब क्रैश को शुरू कर दूं या कुछ और इस तरह से। अभी एक ऑनलाइन वेंचर वाले जो वो कहते हैं कि सर कोई फास्ट ट्रैक क्लास, तो मुझे थोड़ा सा ना वो बाजारी बाजारी सी हरकत लग रही है। मतलब क्योंकि मेरी फ्री वीडियोज भी पड़ी हुई है ना, रादर देन कि मैं इस वक्त मौके का नाजायज फायदा उठा के अपना क्रैश कोर्स दे दूं और जनाब वहां से मैं करोड़पति बनने की कोशिश करूं, उससे बेहतर है कि मेरी फ्री वीडियोस अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान के पास और मेरी 10 दिनों की सिलेक्टेड वीडियोस ये कॉलेज वाले चला रहे होंगे बीएम के बच्चों के लिए। मैं थोड़ी सी बगावत या बेमानी ये कर लूंगा कि उसको ओपन फॉर ऑल कर दूंगा फॉर स्केनियंस, ताकि जो लोग यहाँ पे हैं वो उस कमरे में जाके बैठ के उसे देख सके। तो ये वो चीज है जिससे वो एक गलत हरकत भी नहीं होगी और आपकी तैयारी भी थोड़ी बेहतर होगी। जी नहीं, कोई ऐसा कोई असल में देखिए हम पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं,
मतलब मेरा बीएम का लॉ का ऑलरेडी नेट पे सारा माल पड़ा हुआ है, उसके बावजूद इस दफा बीएम और लॉ में टोटल मिला के अगर मैं काउंट करूं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मेरे ख्याल में शायद शायद 1,000 से ऊपर बच्चे थे ऑनलाइन फिजिकल ये सब काउंट करके। तो वो मालिक अता करता है, मतलब हमने नेट पे सब फ्री रख दिया है, बट ये बांटने से बढ़ता है, ये कम नहीं होता जी। अब जो कॉलेज में आके पैसे देता है उसको क्या मिलता है, उसको एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस मिलता है, क्लास में टीचर थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ा रहा होता है, साथ साथ बच्चों से पूछ रहा होता है, एक फ्लो बना हुआ होता है, साथ साथ टेस्ट चल रहे होते हैं, एक एक्टिविटी होती है जिस चीज के स्टूडेंट ने पे किया होता है। वरना टीचर्स के तो आप यूट्यूब पे जाके देखें, पूरे पूरे कॉलेज के पूरे पूरे फोल्डर लोगों ने बनाए हुए हैं, उनसे काम नहीं चलता, काम चलता उस माहौल से जो आपने 6 महीने तक अपने ऊपर तारीख किया होता है। हाँ इमरजेंसी अलग है कि अचानक से आप कहें अच्छा बीएमबीएस, तो ठीक है जी आपके पास वीडियो लेक्चर मौजूद हो, टेस्ट मौजूद हो, काम चल। मेरे ख्याल में हमने काफी सिर हासिल गुफ्तगू कर ली, फिर भी आपके जहन में होंगे सवाल तो कोई बात नहीं, जब मैंने एक सेशन प्लान ही सवालों के लिए किया है तो दैट वुड बी द आइडियल प्लेस जहां पे आप जाके, और वहां पे ऐसा नहीं होगा कि सामने बच्चे कुछ बोल रहे हो मैं देख ना सकूं, क्योंकि मैंने अपने साथ तीन चार टीम मेंबर्स को भी रात में उनके साथ बैठ के उनको पूरा थीम समझाया है, आज मैंने उनके साथ दोबारा मीटिंग करनी है, और फिर मैंने उन्हें बताना है कि किस किस तरह के बच्चे के किस किस सवाल का क्या क्या जवाब है, तो मैं भी जवाब दे रहा हूंगा और बच्चे जो टाइप करके सवाल पूछ रहे होंगे तो टीम मेंबर्स भी उसके ऊपर आंसर कर रहे होंगे। तो वो हम लोगों ने अब लिंक शेयर कर दिया, और अगेन लोगों के लिए क्योंकि वो हॉट न्यूज है या वो चाहते हैं कि उसको, तो अभी को 2-2.5 घंटे में कोई 400-450 के करीब बच्चे उस पर रजिस्टर हो गए हैं, 500 की हमारे पास कैपेसिटी है, रजिस्टर 5,000 हो सकते हैं लेकिन एट द टाइम लाइव 500 बच्चा आ सकता है। तो ऐसे में आप लोग कोशिश करेंगे टाइम से रजिस्टर होके, और उस दिन थोड़ा टाइम पहले से ही क्लिक करके बैठ जाइएगा, जहां लिखा नहीं आ रहा था ऑर्गेनाइजर वेट करें, ऑर्गेनाइजर ने भी शुरू करना है, आपने पहले से आके बैठ जाना है, ताकि वो 500 वाले उसमें खाते से ऐसा ना हो कि बाहर के बच्चे आ जाएं, क्योंकि लिंक तो फिर ऐसे तेजी से वायरल होता है। तो इसलिए अगेन वही लिंक जो है वो कई जगह से प्रमोट होके आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ये एक चीज ऐसी है जो सब लोगों का इंटरेस्ट है, और अल्लाह का शुक्र है लोगों को थोड़ा भरोसा भी है कि ये आके थोड़ी सी अनबायस्ड बात करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि अपनी अपना चूरन ना बेचे, बताए कि ये इसमें क्या है और किस तरह से। तो पब्लिकली इस तरह से है, और आईकेएफ से भी मैं थोड़ी सी इंसाइट लूंगा कि जी मैं इनफॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने तौर पे बयान करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ इस तरह के मामला डन, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। असल में वो ऐसी चीज है जिसके लिए अब तक मुझे 6 अलग अलग यूट्यूब चैनल के हजरात रब्ता कर चुके हैं, सर वो आप वेबिनार करें, मैंने कहा हाँ जी सर बाद में उसकी रिकॉर्डिंग हमें दे दीजिएगा, तो वो असल में एक चलने वाली चीज है ना, तो हर किसी को जरा चलने वाला माल चाहिए होता है, तो वो जगह जगह आपको नेट पे इसकी मशहूरी भी बहुत नजर आएगी, इसकी वीडियोस भी शेयर हो रही होंगी। मेरी कोशिश ये होगी कि इंतहाई ईमानदारी से एक ऑनेस्ट डिस्कशन की जाए, उधर मैं फिर कॉलेज का एम्प्लॉय भी अपने आप को काउंट नहीं करूंगा, अगर मेरी एक बात से आपका कोई डिसीजन ऐसा हो जिससे कॉलेज को नुकसान हो, तो हो सकता है कॉलेज मुझे कहे आपने क्या किया, तो मैं वहां कॉलेज की कैपेसिटी में नहीं हूंगा, मैं एक आम आदमी की कैपेसिटी में एक सीनियर बंदा जो के लोगों को मशवरा दे रहा है। उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना है वो अपने रेलिवेंट टीचर्स की कंसल्टेशन से लेना है, अपने रेलिवेंट टीचर को जरूर बताएं कि जी हमें सुनना ऐसे है, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, पता लगे अगले दिन मेरी पेशी हुई भी हो ठीक है, वो कहें पादी साहब शाबाश ही है, अपने कैंपस में जाके आप खराबियां फैलाएं, हमारे कैंपस में आके आप बच्चों का दिमाग खराब करें, तो ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, सच्ची बात यह है कि अभी नई स्कीम अप्लाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि लाहौर से मैंने जो रब्ता किया है तो लाहौर आईकेएफ वालों का ये मानना है कि ये एक जज्बाती स्टेटमेंट है, इतनी जल्दी हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट कर सके, प्रोबेबिलिटी है, वही बात है कि ये भी डाउट वाली चीज है, बट इस डाउट में आपने उन चीजों की तरफ जाना है जिनसे फायदा हो, और एहतियात जरूर करनी है। तो वही बात है कि इंट्रो ड्रॉप करना तो खतरनाक है, वो एहतियात वाली डेफिनेशन से बाहर निकल जाता है, लेकिन बीएम एक्स्ट्रा से उठा लेने में कोई गलत बात नहीं है, अगर आपके पास मार्जिन है एक पेपर देने का, तो ये एक मोटी मोटी बात है, और इससे ज्यादा बात जो है फिर उस ऑफिशियल सेशन में होगी। सर वो जो कल वाला सेशन है यूट्यूब पे अपलोड भी होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उसमें हमारे अटेंडीज की लिमिट का मसला है, तो हम उसको यूट्यूब पे हम भी वो कर रहे होंगे,
यहाँ कैंपस इन साइट पे शायद हम नहीं डाल सकेंगे, हम उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देंगे। और मैंने बताया कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम इसको शेयर कर देंगे, तो ऐसे में हमें मतलब स्पॉन्सर्स मिल चुके हैं जी। उससे स्ट्रीमिंग के बहुत ज्यादा गंदे मसले आते हैं उस टाइम पे, यानी कि ना यूट्यूब को लाइव जब रिले करते हैं ना, तो वो यूट्यूबर्स करते हैं जिनके पास फिर वो सामने एक बड़ा जबरदस्त कैमरा और वो सारा, और फिर वो कंटेंट का तरीका ही अलग होता है। मैंने इसको इस मोड पे करना है जिसमें सात सात बच्चे सवाल भी पूछ सकें और उन एक बच्चे का सवाल दूसरे को भी ना नजर आए, वो आपस में एक दूसरे से चैटिंग शुरू कर देते हैं, तो गो टू वेबिनार को हम यूज कर रहे होंगे और उसमें शायद कैमरा भी ऑन ना करें क्योंकि उससे स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी मशहूरी नहीं करनी, हमने वो बताना है कि चल क्या रहा है। नहीं देखिए, लाइव आने पे तो फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, सारा कुछ है। प्रॉब्लम है उसकी रिलेइंग का, उसकी रिलेइंग उतनी अच्छी नहीं होती जब तक कि आप बड़ी अच्छी डिवाइसेस को यूज ना करें, बड़े अच्छे सिस्टम को यूज ना करें। और अगेन उसके साथ साथ फिर लोगों के जवाब सवाल, वो जैसे फेसबुक लाइव पे नीचे अजीब सा ये झगड़ा शुरू हो जाता है, वो हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं लोगों का ऑर्गेनाइज वे में सवाल आए, ऑर्गेनाइज वे में उनको आंसर करें। फिर एक और भी फायदा होगा, जब आप लोग आएंगे वेबिनार पे तो मेरे पास स्टैट्स आ रहे होंगे कि कितने बच्चों ने कौन कौन से पेपर दे दिए और कौन से रहते हैं। अगर आपने डाटा सही से प्रोवाइड किया होगा तो हम एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं कि जो मौजूदा हाजरीन है उनमें से इतने परसेंट का ये मसला है। दरमियान में मैं पोल कर सकता हूँ जो मैं वहां नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में हमने काफी ज्यादा बातें कर ली, अब पढ़ाई की तरफ आए, पढ़ाई की तरफ। तो अब इससे आगे कोई भी सवाल वो कल शाम को होगा, और कल शाम अगर आप हौसले से एक बार मुझे पूरा सुन लेंगे, क्लास की तरह नहीं करेंगे कि पहले वो सवाल पूछ लें जो मैंने 2 मिनट बाद बतानी है बात, तो आप अगर उस वक्त एंड तक मुझे सुनेंगे तो एंड पे मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, और उसमें जब तक बच्चों के सवाल जवाब नहीं सारे आंसर हो जाते मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, और मीन वाइल टीम तो टेक्स्ट में लिख लिख के आंसर कर रही होगी। ठीक, तो मेरे ख्याल में अब हमें सारी चीज समझ आ गई है, बस करना ये है कि अगर आप लाइव अटेंड करना चाहें तो टाइम पे क्लिक करके उसमें आगे बैठ जरूर जाइएगा। मैंने कहा शायद कोई हमारे सिस्टम में कोई मसला आया जी। अभी वॉइस क्लियर है ऑनलाइन में? जी एक सवाल आया, बीएमबीएस के कितने लेक्चर हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे पूरा बीएमबीएस और पूरा बिजनेस लॉ का, पूरा बीएम में सिर्फ चैप्टर 2 का कुछ पोर्शन मिसिंग है। और अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो शायद मैं वो भी उधर उठा के डाल दूं कि एक ऐसी जगह जहां लोग फ्रीली उसे एक्सेस कर सकते हैं तो वो तो सबसे बेहतर पब्लिक सर्विस हो सकती है। रिविजन क्लास पड़ी हुई है ना वहां, मतलब एक चैप्टर का एक लेक्चर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, व्हाटएवर जो भी उस चैप्टर की लेंथ है। हुई हुई। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन 2 लोग आए हुए हैं, दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ से माल मिलेगा। मैं जरा स्क्रीन बंद कर दूं, ऐसा ना हो कि मैं यूट्यूब चलाऊं और वहां पे मुझे रिकमेंडेशन आ रही हूँ पुटी पुटी सी। असूलन मुझे किताबी रिकमेंडेशन आनी चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे घर में मेरी बच्ची भी ये वाला चैनल वो टीवी को यूज करती है तो उसमें ज्यादातर बच्चों की जो एड्स आ रहे होते हैं, और फिर कभी कभी ड्रामों की रिकमेंडेशन भी होती है क्योंकि बेगम भी टीवी पे वो यूट्यूब, तो ऐसे में पढ़ाई वाली चीजें बहुत कम होती हैं और गैर जरूरी चीजें ज्यादा होती हैं। आतिफ लिख के सर्च करेंगे तो आतिफ असलम की रिकमेंडेशन आएंगी यूट्यूब पे। नहीं जी, ये मैंने ऐसे करके स्क्रीन शेयर की अपनी, YouTube पे जाके मैंने लिखा आतिफ आब्दी, एक शरीफ आदमी की तस्वीर आ गई, आतिफ आब्दी ऑफिशियल। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक किया, जरूरत नहीं है वो सब्सक्राइब करने की, बेल बचान वो क्या बेल का आइकन बजाएं और पता नहीं क्या क्या करें। जब आप यहाँ जाते हैं ना तो इधर पोर्शंस बने हुए हैं, ये है सीफेप लेक्चर एट कोई बाहर की वेबसाइट है, साइट पे करते हैं CA फलाना, इतने दिन की ट्रायल क्लासेस, ये भी कोई और लोग है, आगे चलते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन, जैसे आप लोगों के साथ भी एक दो शेयर हुए थे वो CA की कमाई हलाल है हराम है या इस तरह से करके, तो इधर उस तरह के सेशंस होते हैं। ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल क्या है, फलाना क्या है, CFAP की काउंसलिंग किस तरह से। फिर इससे नीचे आए तो एक आता है फोल्डर ICAP रिविजन क्लासेस, इसमें आपको मिलती है बिजनेस लॉ CAP 3 रिविजन क्लासेस स्प्रिंग 2021 की,
जिसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बीएमबीएस कैफ 4 रिवीजन क्लासेज एट आई कैप, ऑडिट की कैफ 9 की रिवीजन क्लासेज और सीए फाइनल की ऑडिट की सीफैप की रिवीजन क्लासेज, ये चारों रिवीजन क्लासेज जो आईकैप में कंडक्ट हुई थी उसमें से निकाली हुई है। आप आए बीएमबीएस में व्यू फुल प्लेलिस्ट, बस जी ऐसे ही है। कैफ 4 बीएमबीएस ओरिएंटेशन चैप्टर 3, अब आप देखें चैप्टर 3 है 2 घंटे का 159, चैप्टर 5 सवा घंटे का, चैप्टर 4 एक घंटे का। इसमें पूरा चैप्टर थोड़ा सा तेज पेस, बहुत ज्यादा तेज पेस नहीं, थोड़े से तेज पेस के साथ इसमें कवर हो रहा होता है। तो इसमें सारे चैप्टर मौजूद हैं। चैप्टर 6 आईकैप में नहीं हुआ था तो चैप्टर 6 मैंने किसी और जगह से उठा के कंबाइन कर दिया है। तो इसमें आपका सारा सिलेबस है, सिर्फ चैप्टर 2 का एक थोड़ा सा पोर्शन मिसिंग है और शायद मैं वो भी बीच में इनकॉर्पोरेट करवा दूं। 11 चैप्टर्स है, लेकिन अगेन अगर इस टाइम पे आपको पहली दफा पता लग रहा है कि बीएमबीएस क्या है और आप बिल्कुल जीरो से उठाने का सोच रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ये आइडिया तब अच्छा हो जब आपको ये का पेपर ड्रॉप कर रहे हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मतलब दिस इज द ओनली रिस्क जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर पहले 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे तो बीएमबीएस इन 9 के 9 पेपरों में सबसे कम सिलेबस का है, लाइट पेपर है, लेकिन अगेन जिम्मेदारी अपनी अपनी। पता लगे आप कहें सर ने कहा था रिवीजन क्लास देख लो पास हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हाँ, रिवीजन क्लासेस से आप तेजी से तैयारी कर सकते हैं, वो लोग जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग पेपर से तंग आए बैठे हैं, वो हरगिज ऐसी हरकत ना करें। वो क्या है, ये एनालिसिस प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में हुआ है, डोंट ट्राई दिस एट होम। जी देखिए, जिसने बीएम एक दफा पढ़ा हुआ है ना उसको तो मैं कह रहा हूँ इस वक्त लाजमी करे ये हरकत। जिसने बीएम पढ़ा हुआ है ना, कभी आधा पढ़ा हुआ है या पूरा पढ़ा हुआ है, वो तो जरूर ये जुआ खेल ले, क्योंकि इससे आपका वो पेपर एग्जाम होने के चांसेस बन जाते हैं और वो पेपर यकीन माने अच्छी खासी अजियत है। जी जी ठीक है जी बिल्कुल। अगर एक बंदे ने पहले से क्लासेस ली हुई हैं तो उसको रिवीजन क्लास की जरूरत नहीं होती, रिवीजन क्लास आपको रिवाइज करवा रही है। मैं इस वक्त रिवीजन क्लासेस को बेस सोर्स के तौर पे यूज कर रहा हूँ कि जिसने पेपर देना है वो इनकी तरफ डायरेक्ट जा सकता है। अगर वो कहे मैं इतने कम टाइम में कहाँ पढ़ू, या जी स्कैंस कॉलेज एक नया बैच शुरू करे जो तेजी से कराया जाए और उसके पैसे रखे, वो थोड़ी सी ना कारोबारी कारोबारी सी एक हरकत बन जाती है। दूसरा टाइम की अवेलेबिलिटी भी, मेरी अब फाइनल शुरू होने के बाद ना मैं ऑन एवरेज किसी भी बच्चे को अगर कोई मिलने का टाइम देता हूँ तो मैं 2-3 दिन ऐसा है कि मैं शाम 7 बजे का बताता हूँ और 4 दिन ऐसे हैं जिसमें मैं रात 11-11:30 के बाद बताता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक्टिविटीज काफी फंसी हुई है इस वक्त। ठीक है जी, बात कुछ कुछ समझ आई, बात कुछ कुछ समझ आ गई। ये थी हमारी प्यारी सी जनरल डिस्कशन। कल आपने कुछ पढ़ा था, हमने 2 चीजें मेनली पढ़ी थी।